नमस्कार मेरे टॉरस राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपका अप्रैल महीने का राशिफल। और आज मैं बात करूंगा आपसे आपके अप्रैल महीने के बारे में। तो सबसे पहले बताऊं कि आपकी हेल्थ, आपके संबंध किस तरह से रहेंगे, पूरे महीने में आप किस तरह से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि महीने की शुरुआत में आप देखेंगे राशिपति वीनस जो है, जो लग्नाधिपति वीनस है, वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। पूरा महीना ऐसे ही रहने वाला, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा सजग सुचेत रहना होगा। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। 12th हाउस का वीनस कई बार हॉस्पिटल की यात्रा भी करवा देता है। वहीं अष्टम भाव में शनि की और मंगल की स्थिति विस्फोटक है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि इस समय के दौरान आप टायर्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ऑपरेशन या हॉस्पिटल जाने की संभावना बन सकती है, किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो आपने गाड़ी आदि चलाते वक्त ध्यान देना है और किसी तरह से भी कोई जोखिम नहीं लेना है। अगर मैं संबंधों की बात करूं तो यहां फैमिली के साथ जो आपके संबंध हैं वो वर्तमान में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ संशय है कि कुछ लोग कहीं आपका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें भी आ रही हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि संसार में बिना मतलब के कोई आप किसी के साथ नहीं रहता है, तो अगर आप बस इतना ध्यान रखें कोई आपका मिसयूज ना करे, इतनी चीज ध्यान आपने देनी है। वहीं अगर मैं आपकी सिबलिंग्स की बात करूं तो निश्चित तौर पे राहु आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ ये दिखा रहा है कि एनर्जी लेवल रहेगा, वो लोग आपको साथ देने के लिए तैयार रहेंगे, आप उनसे लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगेन ये ध्यान देना है कि कहीं इस लाभ, छोटे लाभ में आपका कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके राशिपति कमजोर स्थिति में, तो इस बात का आपने पूरा ध्यान देना। इस समय आपके संबंध जो है बिगनिंग ऑफ मंथ जो है, आपके संबंध आपके पेरेंट्स के साथ, मदर और फादर के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन अचानक जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा उनके साथ आपके संबंधों में कुछ बिगन आ सकता है, किस तरह की दूरी बन सकती है, जो सपोर्ट इस समय मिल रही है उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं, तो थोड़ा सावधान आपको रहना होगा, यह बात बहुत जरूरी है। यहीं अगर आपकी संतान की बात करूं तो संतान के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं। और जो लोग ऑलरेडी जिनके पास संतान, तो मैं कहूंगा कि संतान का सुख आपको मिलता रहेगा। हल्की फुल्की टेंशन तो हर परिवार में, हर माँ बाप की बच्चों के साथ जनरेशन गैप कह लीजिए वो रहती हैं, लेकिन मोस्टली मैं ये कहूंगा कि ये महीना संतान और संतान से जुड़ी चीजें जो हैं उसके में आपको लाभ देगा। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके संबंधों की, तो प्रेम संबंधों की कहीं ना कहीं बात बनती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी अफेयर में हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको प्रपोज करना चाहिए, डिले मत करें, नहीं तो फिर देरी जो है कई बार बहुत देर हो जाती है और आपके हाथ से मौका गुजर जाता है। जो लोग शादीशुदा है, मैं कहूंगा अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गूमेंट बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि ये आर्गूमेंट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस समय में कोई नई पार्टनरशिप ना की जाए वो आपके लिए अच्छा होगा। और ये भी कहूंगा कि अगर आपके अलावा कोई आपको, अगर आप किसी को जानते हैं, जैसे प्रेम संबंधों की मैंने बात की है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी आपको किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो निश्चित तौर पे आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई धोखा हो जाए और आपका समय खराब हो। तो संबंधों में इस तरह से आपको पूरे महीने में इस तरह के ऊपर नीचे के जो रिजल्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और सब में जो सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद बहुत होशियार रह के, वेरी केयरफुली वॉचफुली आपने जो भी डिसीजन लेने हैं और आपको एफर्ट बनाने हैं और अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, ये पूरे महीने में जरूरी है, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके घर, गाड़ी आदि की बात करूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 4th हाउस, जिसमें मैं देख रहा हूं कि आपके सूर्य की राशि, और ये दिखा रहा है कि इस समय के दौरान आप या तो नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, या कोई नए पेपर साइन करने की ओर बढ़ रहे हैं, या आप किसी कोई रिलोकेट होने की बात सोच रहे हैं, आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप रेंटेड प्रॉपर्टी में जाने की कोशिश करें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति आपके लिए हो सकती है, इसका पूरा लाभ जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि सैटरडे के दिन या ट्यूसडे के दिन आप नए घर में प्रवेश ना करें तो वो अच्छा होगा। और जहां तक गाड़ी की बात है तो मैं ये कहूंगा कि गाड़ी के लिए भी ये जो है मंगलवार, ट्यूसडे और सैटरडे का दिन नई गाड़ी बाय करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, इस दौरान जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सीडेंट का योग है, तो गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान जरूर देना होगा। अगर गाड़ी खरीदने की का प्रोग्राम आपने बना लिया है तो काले और लाल रंग की गाड़ी बिल्कुल भी ना खरीदी जाए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप घर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उसके अंदर नया फर्नीचर डालना चाहते हैं, कुछ भी, तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा समय है।
आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, उसको नई लुक दे सकते हैं। यह समय इस बात के लिए बिल्कुल आपकी फेवर करता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं जो लोग एजुकेशन में हैं। मैं कहूँगा कि एजुकेशन के मामले में निश्चित तौर पर जो लोग एजुकेशन खुद कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा और एफर्ट बनाए तो कामयाबी आपके कदम जुगेगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करें, तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर उनके कोई मेजर एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, कुछ उन्होंने कंपटीशन में भाग लेना है, कोई अचीवमेंट करनी है, तो निश्चित तौर पे उनको फिर लेजी नहीं होना है, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट बनाने होंगे ताकि वो अपना 100% जो उन्होंने दिया है उसमें से वो मतलब उनको 60-70% उनको मिल जाए, ऐसी उम्मीद। जैसे हम यहाँ यूके में कहते हैं भाई हमें तो ए प्लस चाहिए, ए ए चाहिए, तो हम उम्मीद लगा के बैठे कि ए आएगा, लेकिन एफ उतने नहीं है, तो ए का बी और बी का सी हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो समय है इसका पूरा पूरा सहयोग आपको सदुपयोग या कहें कि वो करना होगा, जिससे लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। तो संतान प्राप्ति की एक बात पीछे छोड़ गया मैं संबंधों में, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय है। तो संतान प्राप्ति के योग बने हुए, उसका आप पूर्ण लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के ये जो स्थितियां हैं वो एकदम बहुत बहुत बेहतरीन आपके लिए बनी हुई है। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल, आपका करियर, आपकी जॉब, उसमें किस तरह की स्थितियां रहेंगी। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे जो स्थितियां हैं वो तो कहीं अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? हमें बिजनेस से आएगा, जॉब से आएगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप करते क्या हैं? तो उसमें जब मैं आपके 10th हाउस को देखता हूँ, तो आपके 10th हाउस में कुंभ राशि, और जब देखता हूँ कि कुंभ राशि के कारक जो शनि हैं वो तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वो तो रुकावट, और वो 9th हाउस के भी जो 10th हाउस को कहीं ना कहीं रुकावट देता है, और मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो मंगल आपकी कुंडली में द्वादेश है। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय के दौरान आप पैसे को, अपनी जॉब को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित होंगे। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं नेचर आपकी मदद कर रही है और आप अपने आप को बैलेंस बनाने में, आप मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है इस समय के दौरान। हो सकता है कि आपके ऊपर जो डेट है उसको मांगने वाले या उसका टाइम लैप्स हो रहा हो, तो आपको वो सारा डेट रिटर्न करना होगा, तो आपकी जो बैलेंस है वो कम हो सकता है। जो जिन्होंने मनी लैंड किया है वो आपसे वापस मांग सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस समय के दौरान किसी तरह के लिटिगेशन से आपको बचना भी होगा, ये भी बहुत जरूरी बात आपको इस महीने में ध्यान देनी है। अष्टम भाव की 2.5 साल का शनि निश्चित तौर पे आपके कारोबार में इस महीने में एक बुरा प्रभाव देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब मैं कुंडली को बहुत ध्यान से देखता हूँ, मेरे सामने आपकी कुंडली है, तो मैं देख पा रहा हूँ जहाँ शनि कमजोर स्थिति में बैठे हुए, वहीं धन के कारक बुध भी डिवेलिटेटेड हैं और रेट्रोग्रेड भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस महीने में आपको बहुत सावधानी के साथ अपने आप को बैलेंस करना है और इसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। छोटी बड़ी यात्राएं भी अचानक से आ सकती हैं, एक और खर्चा आपके लिए अचानक से आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बचना है तो आपको योगाभ्यासी होना होगा, आपको मेडिटेशन साथ में करनी होगी, आपको काले और लाल रंग की चीज़ों से, कपड़ों से आपको दूर रहना होगा। हो सकता है तो इस समय के दौरान जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबिलिटी से जो से यूज रहे हैं लोग, इनकी हेल्प करना, इनकी मदद करना आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा, जिससे बहुत सारी मुश्किलें जो हैं, जिनको जैसे तरह से आप उनको खाना खिला सकते हैं, फूड चैटी कर सकते हैं, कुछ भी उनकी मेडिसिन की चैटी कर सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको लगता है कि उनको चाहिए, अगर वो आप करेंगे तो ये सिलसिला जो है आपके काम काज में जो बड़ी मुश्किलें उससे आपको बचाएगा। और अगर काम काज में ऑलरेडी मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो मैं कहूँगा कि ये समय है कि आप कुछ दिन इस महीने में ऑफ ले लें, इससे पहले कि आपकी स्ट्रेस बढ़ जाए, आपका आपके बॉस के साथ, मैनेजर के साथ कोई झगड़ा पैदा हो। अगर आप बिजनेस में हैं और दिख रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कुछ हॉलीडेज जो हैं बुक कर लेने चाहिए और उसमें अपने आप को, अपने टाइम को, अपने आप को री एनर्जाइज करना होगा ताकि आपकी बात बन जाए। तो यही कहूँगा कि ये थोड़े से प्रिकॉशंस और उपाय आपने ध्यान में देने और पूरी सहजता के साथ, सजगता के साथ अपने मंथ को आप प्लान करें, जिसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं, अच्छा वर्षफल है आपका, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, आप मुझसे बात करना चाहते, तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर आप
इसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर डायल कर मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अब बात करूंगा और मिलूंगा आपसे आपके मई महीने की राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।